आदमी का फोटो काफी वायरल हो गया था ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब ये देखा गया कि कैसे वो कंटिन्यूसली स्मोक करते हुए दौड़ रहे हैं। चाइना के इस रनर का नाम है अंकल चेन, जिन्हें शिनजियांग मैराथन में चेन स्मोकिंग करते हुए देखा गया। वो लोगों में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। तो दौड़ते हुए स्मोक करना आपके हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट करता है, जानते हैं डॉक्टर से। सुनने में थोड़ा अचंभा तो हुआ कि इस टाइप के हम लोग जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग किस चीज़ में क्लासिफाई करेंगे, या तो वो अनफिट एथलीट हैं या फिर वो एक हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट है। तो अगर मैंने ये चीज़ बोली पेशेंट, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं समस्या का विषय तो है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कोई रनिंग या कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट के टाइम पे अगर हम लोग स्मोकिंग प्रायर ड्यूरिंग और आफ्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट सिचुएशन में होते हैं तो हमारा जो सांस लेने की गति और सांस लेने की क्षमता काफ़ी एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है उसके तहत बहुत अच्छी हो जाती है। एक बॉडी ने हमारा ऑटोमेटिक सेंसेशंस होते हैं, अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो सांस की डेप्थ काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मली 500 ml तक सांस लेते हैं, उस टाइम पे हम लोग 800-900 ml तक भी सांस ले सकते हैं और सांस की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और शरीर का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मैच करना होता है। अब उस सिचुएशन में अगर हम लोग धुएँ का उपयोग करेंगे तो कितना धुआँ अंदर ज़्यादा मात्रा में जा सकता है एक नॉर्मल से, और कितना हार्म वो कर सकता है, वो भी उतना ही गुना बढ़ जाएगा। एक शोध में हमने ये भी देखा था कि जो पेशेंट या जो शख्स स्मोकिंग करते हैं प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट, वो समहाउ इंजरी प्रोन भी ज़्यादा होते हैं, उनपे चोट लगने की क्षमता भी, चोट लगने की समस्या भी ज़्यादा देखी जाती है। रीज़न उसके बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक तो अटेंशन जो होता है वो स्मोकिंग में कभी कभी रह जाता है, कई बार वो चीज़ जो होती है ओवर एक्साइटमेंट वाला फेज़ भी आ जाता है स्मोकिंग के बाद में, एक थोड़ा जैसे हम लोग देखते हैं थोड़ा किक मिलता है, वो चीज़ है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम लोग इस एनवायरनमेंट में बात करते हैं दिल्ली NCR या इवन नॉर्थ इंडिया में, तो पॉल्यूशन का स्टेट तो है ही, तो पॉल्यूशन में अपने आप ही अगर मैं एक दो अगर हम लोग पीछे रिपोर्ट भी पढ़े हों तो वन दिस एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो लगभग 30-40 सिगरेट के बराबर है। अगर उसके ऊपर हमने और सिगरेट लिया तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है फेफड़े में, ये एक सोच के परे है। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर स्मोकिंग छोड़ ही दें, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे बेहतर उपाय तो वही है और सबसे बेहतर विकल्प भी यही है। और वर्कआउट पे तो स्मोकिंग का कोई आपका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट बहुत गुना तक बढ़ा देता है। ऐसे पेशेंट हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, COPD ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखते हैं जो एथलीट्स और स्मोकर दोनों रहे हैं, क्योंकि उनका कैपेसिटी तो बेटर होता ही है। और सबसे बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि उनका उनका जो कैपेसिटी अच्छा होता है तो उनका जो सिम्टम्स है वो भी लेट पकड़ में आता है, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी थोड़ी बेटर होती है और वो जज नहीं कर पाते हैं कैसे कैसे कैपेसिटी कम होती जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दें, वो चाहे किसी भी आप स्टेट में हो, वो बिल्कुल आपके लिए सेहतमंद नहीं है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।